हेलो गाइस, वेलकम टू डी चैनल। तो गाइस आ चुके हैं एक नए और अमेजिंग वीडियो सा लेकर के आप लोग के लिए। तो गाइस आप लोग ने देखा होगा कि यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो कि एलईडी बल्ब से रिलेटेड है, कि इससे आपको दिखाया जाता है कि इससे डायरेक्ट 220 वोल्ट देने पे आउटपुट में हमें 12 वोल्ट मिलता है और इससे हम एलईडी जला सकते हैं और बैटरी भी चार्ज करके आपको दिखाया जाता है। तो गाइस वो वीडियो रियल है कि फेक है, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि वो वीडियो किस तरीके से आपको दिखाया जाता है और इसमें एक्चुअली में इसमें 12 वोल्ट आता है और एलईडी जल पाता है या फिर ख़राब हो जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे हाथों में सबसे पहले एक एलईडी बल्ब है जो कि ये जो है एसी करंट पावर से चलता है। तो ये जो एलईडी बल्ब है ये है पैनासोनिक का और ये है 7 वाट का एलईडी बल्ब। तो आप 7 वाट से लेकर के और 9 वाट तक एलईडी बल्ब इसमें यूज कर सकते हैं, इससे अधिक आपको यूज नहीं करना है। ये जो एलईडी बल्ब है यहाँ पे आप और ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं, ये है मेड इन इंडिया और ये पैनासोनिक का है और इसमें दो लेयर होता है, ये होता है डिफ्यूजर और ये जो पूरा बॉडी होता है ये हाउसिंग होता है। तो इसका क्या करना है कि जो डिफ्यूजर है इसको सबसे पहले यहाँ से हमें खोल लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से खुल जाएगा, आप करना खुले तो आप पेचकस का भी यूज कर सकते हैं। और इसका ये जो एलईडी बल्ब है सबसे पहले आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये ख़राब है कि ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया होल्डर और एक पीस वहाँ पे वायर, तो वायर में हमने प्लग लगा दिया है और छोटा सा ही वायर रखा है। गाइस आपको होल्डर लेने का आवश्यकता नहीं है, गाइस आपको अच्छे तरीके से हम समझा सकें और दिखा सकें जिससे कि आपको समझ में आए और आप भी अपने घर पे बना सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये होल्डर जो है यूज किया है, आप इस तरह से बना करके और आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वायर जो है इसको जोड़ लेना है, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, दोनों वायर में से किधर भी आप जोड़ सकते हैं। और गई इसको आपको डायरेक्ट एलईडी बल्ब को एसी करंट पावर में नहीं लगाना है। अगर गई आप जानते हैं कि जो एलईडी बल्ब है ये ख़राब है तो आपको डायरेक्ट एसी करंट पावर में नहीं लगाना होता है, उससे क्या होगा कि जो आपका घर की वायरिंग है वो भी उड़ सकती है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो ये एलईडी बल्ब है इसको सीरीज बोर्ड में लगाना है। तो हमारे पास सीरीज बोर्ड है, जैसे कि आपको हम दिखा भी देते हैं, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड और इसमें इनबिल्ट यहाँ पे सीरीज बोर्ड हमने इसमें ऐड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है यही सीरीज बोर्ड है। तो यहाँ से जो स्विच है यहाँ से ऑपरेट होता है, तो पहले इसको हम यहाँ पे सीरीज बोर्ड में लगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ अगर एलईडी बल्ब ठीक होगा तो ये जो सीरीज बोर्ड है इससे जो ये बल्ब है ये ग्लो हो जाएगा। सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा एलईडी बल्ब है जो कि चालू कंडीशन में है, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो कर रहा है, लेकिन ये जो है सीरीज बोर्ड में है, डायरेक्ट मेन सप्लाई से नहीं है और इससे इस वायर जो है कनेक्शन नहीं हुआ है। इसका इसको हम निकाल देते हैं और जो ये वाला एलईडी बल्ब है इसको अब लगाते हैं। तो हमने लगा दिया है और देख सकते हैं कोई सा भी इसमें एक्टिविटी जो है वो शो नहीं हो रहा है, जो एलईडी है ग्लो नहीं कर रही है और गई इसमें एलईडी भी काफ़ी कम है, टूटी पड़ी है और देख सकते हैं गई थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, तो इसमें ये जो एलईडी है ये ब्लिंक कर रही है अब जा करके देख सकते हैं। तो गई इसमें हम रिपेयर करके आपको नहीं दिखाने वाले, लेकिन एक चीज़ बता सकते हैं कि ये कहाँ से यहाँ पर ख़राब हुआ है। एलईडी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टूटी हुई है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर शॉर्ट करेंगे ये जो एलईडी बल्ब यहाँ पर ग्लो कर जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो हुआ, ये जो एलईडी है यहाँ पे टूटी हुई है इसीलिए ये जो है यहाँ पे ख़राब हुआ है। तो गाइस आपको ये इस तरह के एलईडी बल्ब कबाड़े में भी मिल जाएगा, देख सकते हैं ये जो एलईडी बल्ब है यहाँ पे ठीक हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ये हमारा टॉपिक नहीं है कि एलईडी बल्ब को ठीक करना है, नहीं, यहाँ पे ये जो एलईडी बल्ब है ये ख़राब हम मानते हैं और इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे इससे प्रोजेक्ट आपको बना करके दिखाएंगे। अगर आपका ये एलईडी बल्ब है वो ग्लो ना करे तो आप ये मत समझिएगा जो एलईडी बल्ब है वो ख़राब हो चुका है, आपका एलईडी बल्ब ठीक होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दोबारा से हमने इसको लगा दिया एसी करंट पावर, लेना है मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेट कर देना है। और इसके अब इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे, गाइस वोल्टेज आप चेक करेंगे तभी इसमें पता चलेगा कि जो एलईडी बल्ब है ये ख़राब है या फिर ठीक है। और इसके दोनों पैड पे इसको टच करना है, गाइस आपको हाथ से टच नहीं करना है तो आपको शॉक भी लग सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहा है, आपको अप डाउन करते हुए दिख रहा होगा, तो ये जो अप डाउन है वो होता रहता है जब तक आप लोड नहीं देंगे। तो इसमें से 100 वोल्ट आ रहा है, जैसे कि आपने देखा कि ये जो एलईडी बल्ब है 100 वोल्ट दे रहा है, तो ये जो एलईडी बल्ब है चालू कंडीशन में है और जो एलईडी बल्ब है ये ठीक भी है। इसके साथ अब हमें क्या करना है कि इसका जो वायर है जो कनेक्शन किया हुआ है आउटपुट में जो आया है, तो इसको यहाँ पर हम डिसोल्डिंग करके और हटा देंगे। इसके बाद एक पीस पेचकस ले लेंगे और पेचकस से जो इसका लॉकर है एलईडी के ऊपर लगा हुआ है इसको इस तरीके से पीछे साइड में कर देना है, जिससे कि जो एलईडी है ये काफ़ी आराम से यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसको हमने कर दिया, इसका जो एलईडी है उसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि जो एलईडी है यहाँ पे निकल चुका है और जो हीट सिंक है इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं।
हमने हीट सिंक को निकाल दिया है और बस इसके अंदर पेचकस लगाना है और काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ये निकल चुका है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दो पीस वायर दिख रहा है, वो यही जो है हमारा आउटपुट है, जो कि रेड वाला यहाँ पे प्लस है और ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा माइनस है। इसके साथ लेना है एक पीस रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे कलर कोड है वो आप देख सकते हैं, और इसका जो कलर कोड है आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और जो इसका वैल्यू है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर ले लिया है, और मल्टीमीटर को यहाँ पे ये देख सकते हैं 2000 ओम पे यहाँ पे सेट कर देना है 2000 पे, और यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके साथ ये जो है यहाँ पे लग जाएगा कि इधर भी आप जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे टच करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 35 एम्प शो हो रहा होगा ये जो है, तो अप डाउन होता रहता है, जो कि ये जो है 33 ओम का ये रेजिस्टेंस है। और जो इसका कलर कोड है वो हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले जो पहला है वो है ऑरेंज, दूसरा जो है वो भी है ऑरेंज है, और तीसरा वाला ब्लैक है, और चौथे नंबर पे गोल्डन में है। तो गोल्डन वाला ये नहीं शो करता है, जो ये तीन कलर है इसी पे जो इसका वैल्यू है वो चेक किया जाता है। तो ऑरेंज जो कलर होता है वो 3 नंबर पे होता है, तो ये जो है 3 3 हो गया, और एक ब्लैक है तो 33 ओम का इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है वो हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको रेजिस्टेंस का हमने वैल्यू बता दिया और चेक करना भी दिखा दिया किस तरीके से चेक किया जाता है। इसके बाद जो ये रेजिस्टेंस है इसको क्या करना है कि इसमें इसका कनेक्शन करना है। तो आप इसके जगह पर 32 ओम का भी यूज कर सकते हैं, 22 ओम का। तो इसको हमें यहाँ पे जो एलईडी बल्ब के सर्किट में से पॉजिटिव वाला वायर आया है जो कि रेड वाला है, इसी के पॉइंट पे यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ लेना है। वही रेजिस्टेंस में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप किधर भी इसका कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं, इधर का उधर भी कर सकते हैं और उधर का इधर भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। और जो ये ड्राइवर सर्किट है ये वाला एलईडी बल्ब वाला, इसको हमने यहाँ पे नहीं निकाला है, कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इसी तरीके से रहने देना है। इसके साथ इसका जो वोल्टेज है वो भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे, और इससे जो यहाँ पे जलाना है एलईडी उसको भी जला करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे इतना सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है, और जो ये सर्किट है वो बन के कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट आउटपुट देगा। तो आप देख सकते हैं गाइस सिंपल से ही जो इसका कनेक्शन है, और गाइस कोई भी आपको एलईडी बल्ब के ड्राइवर में छेड़छाड़ नहीं करना है, दोबारा से हमने कर दिया है। इसके बाद इसको हम यहाँ पे एसी गन पावर में लगाते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इसका जो इसका पावर जो है उसको ऑन कर लेते हैं। और गाइस इसको ऑन करने के बाद आपको टच नहीं करना है, नहीं तो आपको शॉक भी लग सकता है। इसके बाद इसका जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 20 वोल्ट पे आपको सेट कर लेना है, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज यहाँ पे 13 वोल्ट आ रहा है, अप डाउन हो रहा है 8 9 वोल्ट वोल्ट 13 वोल्ट 17 वोल्ट, इस तरीके से अप डाउन होता रहेगा जब तक हम लोड ना डालें। और यहाँ पे आउटपुट में हमने देख लिया था कि जो है यहाँ पे 100 वोल्ट तक दे रहा है। इसके साथ एक पीस यहाँ पे एलईडी ले लेंगे, और जो एलईडी है ये है डीसी 12 वोल्ट का, आपको दिख जाए ये इसका नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव, इस तरीके से इसमें है नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीसी 12 वोल्ट, और इसको हम यहाँ पे चला करके आपको दिखाए थे। तो ये है एक यहाँ पे बाइक की बैटरी जो कि एमरॉन कंपनी के, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, इस कंपनी से मतलब नहीं है, बस बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की होनी चाहिए, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है यहाँ पे ग्लो कर रही है 12 वोल्ट पे, और ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की है, ये एलईडी यहाँ पे 12 वोल्ट काफ़ी अच्छे से ग्लो हो रही थी। इसके बाद इसका हमें कनेक्शन कर लेते हैं, तो ब्लैक वाले में निगेटिव को जोड़ लेना है कुछ इस तरीके से, और जो यहाँ पे ये रेड वाला है ये रेजिस्टेंस के पॉइंट पे चला जाएगा, तो ये भी यहाँ पे जुड़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो इसका कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसको हमें एसी गन पावर में लगाते हैं, वो हमने इसको एसी गन पावर में लगा दिए है, और ये जिस तरीके से हमने पकड़ा है उस तरीके से आपको नहीं पकड़ना है। इसके बाद इसका जो पावर है उसको हम ऑन कर लेते हैं, आपको बोर्ड के आगे साइड में कर लेते हैं कि आपको दिखता रहे। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने ऑन किया, जैसे ही वैसे ही जो ये एलईडी बल्ब है यहाँ पे ग्लो करने लगा, और वही जो सर्किट है वही है। इसके बाद एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे शॉक प्रूफ है या फिर नहीं, तो ये है टेस्टर, और इसको सबसे पहले हम यहाँ पे एसी गेंट पावर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे एसी गेंट पावर आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो है थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा होगी रेड के लिए एलईडी जो है इसमें पावर आ रहा है। इसके बाद इसके यहाँ पे टच कर लेते हैं, गजब देख सकते हैं कि इसमें से यहाँ पे करंट आ रहा है, और गई यहाँ पे देख सकते हैं डीसी एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है लेकिन इसमें से एसी गन पावर आ रहा है, तो यहाँ पे ये वर्क तो कर रहा है लेकिन ये शॉक प्रूफ नहीं है। इसको हम सबसे पहले ऑफ करते हैं, और ये है मेरे पास एक चार्जर जो कि 12 वोल्ट का है, एडजस्टेबल हमने बनाया है, जैसे कि आपको 3.7 वोल्ट से लेकर के और 12 वोल्ट तक आउटपुट मिले। तो इसको हम एसी गन पावर में लगा लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको एसी गन पावर में लगा दिया है और इसको ऑन कर दिया है। इसके बाद ये जो है 12 वोल्ट आ रहा है, और इसको हम यहाँ पर टच करके भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं टच कर रहे हैं हम, और इसमें ये शॉक प्रूफ है, और यहाँ पे इसको शो करा देते हैं, तो देख सकते हैं इसमें से कोई भी यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है, और कई वोल्टेज इसमें आ रहा है आपको हम मल्टीमीटर से दिखाना चाहेंगे कि जो इसका वोल्टेज है वो इसमें आ रहा है। तो इसका जो वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं इसमें 14 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं आप,
तो ये टेस्टर यहाँ पे चालू कंडीशन में है। आप ये मत कहिए कि जो चार्जर है उसका पावर सप्लाई हमने ऑफ किया है। तो गाइस आपको यहाँ पे आप बना करके भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन आपको टच नहीं करना है, नहीं तो शॉक प्रूफ ये नहीं है। हम वोल्टेज वो आपको दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट, ये जो बैटरी है चार्ज है। तो भाई थोड़ा बहुत चार्ज करके आपको दिखाएंगे कि जिससे कि आपको लग सके कि ये चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। तो पहले इसको हमने सेकंड पावर में से निकाल दिया है और इसका जो कनेक्शन है वो हटा देते हैं, और इसके बाद ले लेंगे एक पीस यहाँ पे डायवोट, जो कि ये जो डायवोट है वो है 6A, और ये जो है 10 एम्पेयर का ये डायवोट होता है, तो ये जो है अच्छे तरीके से बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके बाद इसको क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है इसके यहाँ पे ऊपर साइड में इसका जोड़ देंगे, जो इसका ब्लैक पट्टी होगा वो इस साइड में होगा और जो सिल्वर होगा वो इस साइड में होगा। तो सिल्वर वाला हमारा यहाँ पे निगेटिव होता है जो कि कैथोड, और जो ब्लैक होता है वो हमारा प्लस पॉइंट होता है जो कि पॉजिटिव, और ये हमारा एनोड होता है। तो इस साइड से जो वोल्टेज है वो इस साइड नहीं आता है, इस साइड से जो वोल्टेज है उस साइड जाता है। तो इसको हम रेजिस्टेंस के पॉइंट पे जोड़ लेते हैं। हमने इसका यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, इसका जो बैटरी में इसका हम कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन करने के लिए जो ये डायवोट वाला पॉइंट है इसको यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे टेम्पररी लगा रहे हैं, आप इस तरीके से भी परमानेंटली सोल्डिंग कर सकते हैं इस पर। और जो निगेटिव वाला वायर है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और जो बैटरी का पॉइंट है इस पे से जो वायर है वो टूट गया था, तो हम सोल्डिंग कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे अच्छे तरीके से ये जो बैटरी यहाँ पे चार्ज हो। तो सारा कनेक्शन हो चुका है इसका, इसको हम सेकंड पावर में लगा देते हैं डायरेक्ट। तो हमने लगा दिया इसका जो पावर है इसको हम यहाँ पे ऑन करते हैं, हमने पावर जो है उसको ऑन कर दिया, बैटरी को हमने चार्ज में लगा दिया है और आपको टच नहीं करना है। इसे ले लेते हैं मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट सेट कर लेते हैं जिससे कि आपको हम इसका वोल्टेज जो है वो दिखा सकें। तो बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव पे लगा लेना है, पॉजिटिव निगेटिव, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है, और जो वोल्टेज जो था वो था 12.17 वोल्ट था 17 के आसपास, और यहाँ पे देखते हैं बैटरी जो है यहाँ पे चार्ज हो रही है कुछ इस तरीके से, 12.367 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और तो इसको चार्ज हो लेने देते हैं, उसके बाद इसको चेक करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आपको दिखाएंगे, तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो गाइस कुछ टाइम के लिए आपको चार्ज करके दिखाते हैं। तो कि फर्स्ट पार्ट में हम कर देंगे ये जो वीडियो होगा और चार्ज हो जाएगा, तो इसका जो वोल्टेज आपको शो करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे बैटरी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है, आप इसका जो पावर है उसको हम यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं और इसको हम सेकंड पावर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसका जो पावर है उसको निकाल दिया है, अब इसका क्या करते हैं कि जो इसका कनेक्शन है वो भी हम यहाँ पे हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हट जाएगा इसका जो कनेक्शन है, क्योंकि हमने इस पर सोल्डिंग नहीं किया हुआ था, एक पे किया हुआ था, तो ये भी यहाँ पे टूट चुका है। अब इसका जो वोल्टेज है वो आपको चेक करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने वापस से ले लिया है और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैटरी चार्ज है वो है 12.32 वोल्ट, ये जो बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है अच्छे तरीके से। और गई उस तरीके से आपको पावर मिला करके दिखाया था तो वोल्टेज उतना शो हो रहा है, तो उतना वोल्ट शो होगा, अधिक होगा आप जब आप पावर है डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है उससे। तो 12.17 था और यहाँ पर 12.13 हो चुका है 30, तो ये जो बैटरी है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इसे चार्ज हो रही है, और जो ये LED है यहाँ पे अच्छे तरीके से चल रही है। तो गाइस सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से हमने दिखा दिया है, और गाइस कुछ कंपोनेंट्स ये जो है यहाँ पे बन चुका है, और ये हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसको बना करके और अपने बैटरी को हमेशा के लिए चार्ज करें, ये गाइस काफ़ी खतरनाक है और इससे आपको शॉक भी लग सकता है, आपकी बैटरी भी फट सकती है, बैटरी ख़राब भी हो सकती है। आपको इसका इमरजेंसी में उपयोग करना है गाइस, कभी आपको ज़रूरत पड़े, आपके पास चार्जर ना हो तो आप इसका यूज करके और बैटरी को अपने चार्ज कर सकते हैं और LED को जला सकते हैं। तो गाइस ये आप वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल पे कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं किसी नई नई और अमेजिंग वीडियो में।